Hi guys, this is Dr. Bupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 for the best OIT coaching. And I'm just going to discuss a very brief but a very important thing as one of our current students have asked for it. Ma'am, please understand when we talk about C, in OIT, there are only two tenses. If you know these two tenses, you will pass: past indefinite and present perfect. If you know about these two tenses, कैन कवर नाइनटी परसेंट ऑफ ओइटी राइटिंग सबसे ज्यादा मतलब पास आया तो ये पास इंडेफिनेट है यानी पास्ट इंडेफिनेट का मतलब होता है सेकेंड फॉर्म सो पेशेंट विजिटेड विद चीफ कंप्लेट ऑफ दिस फिर हम लिखते हैं also had fever nausea vomiting जो भी बाकी symptoms है तो ये जो had लगे ना ये भी second form ही है past indefinite है क्योंकि तो has, has form होती है ये जो हैड है ये ये वाला हैड है second फॉर्म वाला तो ये वाला हैड जो है इसका मतलब भी second फॉर्म ही है ये पास्ट इंडेफिनेट second फॉर्म में आता है इसे बोलते हैं एक्टिव जो भी काम अपने आप होता है जैसे पेशेंट अपने आप विजिट करता है पेशेंट को फीवर है अपने आप अगर वो कंप्लेन करता है ही कंप्लेन ऑफ तो ये भी सेकेंड फॉर्म पेशेंट अपने आप कंप्लेन करता है अगर पेशेंट सफर करता है तो भी वो अपने आप करता है ही सफर्ड फ्रॉम अगर एक्सरे में फ्रैक्चर रिवील होता है तो ये भी अपने आप होता है एक्सरे रिवील्ड फ्रैक्चर तभी तो सेकेंड फॉर्म लगती है रिवील्ड का मतलब पास्ट में सेकेंड फॉर्म एक्सरे ने रिवील किया अपने आप रिवील किया एक्सरे रिवील्ड फ्रैक्चर तो जब भी आप एक्टिव सेंटेंस बनाते हो जो अपने आप काम होता है पेशेंट कंप्लेंट पेशेंट सफर्ड फ्रॉम पेशेंट विजिटेड एक्सरे रिवील्ड फ्रैक्चर बीपी अपने आप बढ़ता है बीपी गोट इनक्रीज कोई भी चीज अपने आप कम हो रही है ब्लड शुगर लेवल गोट डिक्रीज तो जब भी कोई चीज बढ़ रही है या घट रही है उसको भी गोट में सेकेंड फॉर्म में लिखना है तो ये सब एक्टिव है जब उसके बाद जब पेशेंट अपने सिम्टम्स बता देता है तो यहां तक आप सिम्टम्स को लिखते हो जब पेशेंट के सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं फिर हम एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट को ऑन एग्जामिनेशन अब इसके बाद जो भी होता है वो हमारे द्वारा किया जाता है तो वो बनता है पैसिव वॉइस तो पास्ट इंडेफिनेट का जब पैसिव वॉइस बनता है तो वो बनता है वॉज प्लस थर्ड फॉर्म इसीलिए हम कहते हैं ऑन एग्जामिनेशन ही वॉज फाउंड विद एलिवेटेड टेम्परेचर जैसे हम वेन वी डू नर्सिंग हमें सिखाया जाता है ना टेम्परेचर इज अ साइन फीवर इज अ सिम्टम पेशेंट कहता है फीवर है फीवर इज अ सिम्टम टेम्परेचर इज अ साइन ऑन एग्जामिनेशन ही फाउंड विद एलिवेटेड हीचर ये हम बताते हैं पेशेंट को या ही वॉज फाउंड विद एलिवेटेड ब्लड प्रेशर सो यहां पे जो ही वाज फाउंड लगा है, ये है पैसिव वॉइस पास इंडेफिनेट का यानी कि ही वॉज फाउंड विद फिर हम कहते हैं सिम्टम्स हो गए साइंस हो गए तो हम कहते हैं सिम्टम्स और साइंस के बेस पे यानी देर फोर देर फोर द पेशेंट वॉज डायग्नोज विद तो ये भी हमारे द्वारा होता है द पेशेंट वॉज डायग्नोज विद ये भी हमारे द्वारा होता है इसलिए वॉज प्लस थर्ड फॉर्म लगती है अगेन अ पैसिव वॉइस तो पैसिव वॉइस क्या है वॉज प्लस थर्ड फॉर्म ही वॉज फाउंड विद फॉर द पेशेंट वॉज डायग्नोज विद अब मान लो पेशेंट वॉज डायग्नोज विद माओकार्डियल इंफॉक्शन फॉर विच इमीडिएट ट्रीटमेंट वॉज गिवन अब यह ट्रीटमेंट भी हमारे द्वारा दी जाती है इसीलिए वॉज गिवन ये भी पैसिवॉयस है ये भी पैसिवॉयस अब आप समझो ये नाइन्टी परसेंट कैसे कवर करता है टेंस अगर आप कोई भी विजिट लेटर लिख रहे हो कोई भी विजिट लेटर लिख रहे हो मान लो कि थ्री डेज अगो थ्री डेज अगो तो भी ऐसे लिखोगे थ्री डेज अगो द पेशेंट विजिटेड विद कंप्लेंट ऑफ दिस ही ऑल्सो हैड दिस ही सफर्ड फ्रॉम दिस हिज ब्लड शुगर लेवल गोट डिक्रीज ऑन एग्जामिनेशन ही वॉज फाउंड विद दिस देयर फॉर द पेशेंट वॉज डायग्नोज विद दिस इसके बाद जब अगली विजिट बनेगी तो आप लिखोगे यस्टरडे जो भी दिया होगा

अगर आपका डिस्चार्ज वाला लेटर है आज डिस्चार्ज प्लान वाला तो डिस्चार्ज का मतलब है हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी डिस्चार्ज का मतलब ही यही है कि हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी तभी तो डिस्चार्ज हो रहा है तो अगर आप ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन लिखोगे ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन अब विजिटेड वर्ड नहीं आ सकता ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन द पेशेंट कंप्लेन ऑफ दिस ही सफर्ड फ्रॉम दिस हिस्स ब्लड ब्लड प्रेशर गोट इनक्रीज

अगर आपको समझ आ गई तो ओ में आपको कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे ग्रामर नहीं आती क्योंकि इसमें सारी विजिट कवर हो जाती है जितनी भी पास्ट विजिट के आप एक पैराग्राफ बनाओ दो बनाओ तीन बनाओ सब पूरा हो जाता है ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही जब आप टुडे विजिट लिखते हो तो टुडे विजिट में पेशेंट जब अपने सिम्टम्स बताएगा तो एक्टिव में ही बताएगा तो एक्टिव में वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट जिसका एक्टिव होता है हैज के साथ थर्ड फॉर्म और पैसिव होता है हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म सो ये डिपेंड करता है कि आप आपका क्वेश्चन ये था कि मैम टुडे विजिट में सारा हैज लगा दें नहीं यार पैसिव में तो हैज बीन ही लगाओगे ना एक्टिव और पैसिव में बीन का ही तो फर्क है देखो बाकी सब कुछ सेम है हैज प्लस थर्ड फॉर्म हैज बीन थर्ड फॉर्म यानी अगर ये टुडे की विजिट होती तो मुझे करना क्या था अगर ये टुडे की विजिट होती टुडे तो मैं इसको बस एक्टिव में लिखता टुडे द पेशेंट हैज कंप्लेन्ड ऑफ फिर मैं लिखता ही हैज सफ़र्ड फ्रॉम दिस हिज ब्लड प्रेशर हैज गोट इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल हैज गोट डिक्रीज्ड ऑन एग्जामिनेशन अब ये जो वाज प्लस थर्ड फॉर्म थी पैसिव ये बन जाती है हैज बीन थर्ड फॉर्म तो सिर्फ वाज की जगह हैज बीन तो बीन का मतलब पैसिव होता है तो टुडे में आप सिर्फ हैज का यूज नहीं करोगे हैज तो सिर्फ सिम्टम्स के लिए करोगे जो पैसिव आपके द्वारा काम किया जाएगा वो हैज बीन ही फॉर विच इमीडिएट ट्रीटमेंट हैज बीन गिवन बस इस वीडियो को पांच बार दस बार सुन लो तीन चार बार अभी के अभी लिख दो हमेशा के लिए आपकी ग्रामर की प्रॉब्लम इनोइटी खत्म हमेशा के लिए दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर बीके एम इंस्टीट्यूट अवर कॉन्टैक्ट नंबर इज सेवन सिक्स नाइन सिक्स सेवन थ्री फोर टू फाइव सिक्स इफ यू लाइक द वीडियो लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल थैंक यू आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड आई एम जस्ट गो न अनव्यूट यू टू आस्क यू फॉर एनी डाउट्स दैट यू मे हैव प्लीज किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं प्लीज यस प्लीज मैम सर होता है कि हमें पेशेंट की जो कंडीशन डिजीज uh, होती है उसकी फुल फॉर्म नहीं पता होती मैम देन इफ यू डू नॉट नो द फुल फॉर्म प्लीज डू नॉट राइट इट दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन इट डू नॉट टेक चांस इफ यू नो इट देन श्योरली यू राइट इट बट अगर आपको नहीं पता तो बिल्कुल मत लिखो क्योंकि गलत नहीं कर सकते गलत का मतलब तो आपको सच में नहीं आती अगर आपके वो शायद आपको मार्जिन दे दे कि शायद बच्चे को आती हो उसको पता नहीं था लिखनी है लेकिन अगर आपको गलत लिखे तो उसे पता आपको नहीं आती तो आपके मार्क्स पर पक्का काटेगा तो प्लीज बिल्कुल नहीं करना एनी अदर क्वेश्चन प्लीज

मैम देखो टू हंड्रेड के टू हंड्रेड टेन वर्ड हो भी जाएंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर आपने एक बार इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लिख दिया तो उसको आईयूडी आप बाद में लिख सकते हो लेकिन वो क्लियरली होना चाहिए अगर वो गलती से भी आपको डाउट आ रहा है आपको लग रहा है गड़बड़ हो सकती है तो बिल्कुल पूरा ही लिखो हर बार अच्छा मतलब बस रिस्क मतलब अगेन आपको कह रहा हूँ तो पहली बार तो कम्पलीट लिखना ही है सेकेंड टाइम में आप उसको चाहे छोटा करके लिख लो ओके सर सर थैंक यू मोस्ट वेलकम एनी अदर डाउट प्लीज एक्सक्यूज मी सर यस प्लीज मैम कई बार क्या होता है कि हमें फुल फॉर्म पता नहीं होती मैम बिल्कुल सेम क्वेश्चन yeah. ने पूछा है अगर नहीं पता तो नहीं लिखनी जो दिया है एडी दिया है तो बीपीए एडी <laughs> अच्छा। अच्छा। लिख दो okay, sir. Okay, sir. It, okay, ही है कि अगर गलत लिखा गया तो उसको पता लग जाएगा आपको नहीं आती कटेंगे ठीक सर थैंक यू डन एनी अदर क्वेश्चन प्लीज काइंडली डिस्कस वेयर कैन यूज मैम आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर द कनेक्टर बट से पहले सो से पहले जितने भी कनेक्टर्स होते हैं हु से पहले अगर आप देखो जो हमने अभी डिस्कस किया है अगर आप उसको ध्यान से देखो तो कोमा कहाँ लगा है ये तो टुडे की बात तो ये तो दूसरा कोमा है जहां पे भी कनेक्टर यूज करूंगा ऑन एग्जामिनेशन के बाद ये कॉमा करेक्टर के फोर विच से पहले और फोर विच के बाद भी लगता है लेकिन नॉर्मली अगर आप बाकी चीजें देखोगे जब मैं लिखता हूं तो कनेक्टर से पहले कॉमा लगता है तो जैसे फोर विच से पहले लगाया है तो इससे पहले लगाना कॉमा जरूरी होता है ये तो ऑब्वियसली लाइन फुल स्टॉप के बाद देर फोर के बाद लगाना चाहिए टूडे के बाद लगाना चाहिए ऑन एग्जामिनेशन के बाद लगाना चाहिए तो बेसिक्स है लेकिन कॉमा का मतलब होता ही क्या है मैम कॉमा का मतलब यही होता है दिस लेटर इज बींग रिटर्न रिगार्डिंग मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स कनेक्टर से पहले हु वाज एडमिटेड हु से पहले कोमा ही इज बेटर बट ही कैन नॉट बी डिस्चार्ज टुडे तो मैंने कहां पे कोमा लगाया बट से पहले कि वो बेटर है लेकिन डिस्चार्ज नहीं कर रहे अगर डिस्चार्ज कर रहे हैं तो ही इज बेटर कोमा सो ही ही विल बी डिस्चार्ज टुडे तो ये कनेक्टर में सिचुएशन के हिसाब से लगाता हूँ कॉमा कनेक्टर से पहले लगाता हूँ ही इज बेटर इसलिए सो ही विल बी डिस्चार्ज टुडे ही इज बेटर बट ही कैनोट बी डिस्चार्ज टूडे ही कैनोट भी डिस्चार्ज टूडे बिकॉज ही स्टिल नीड ऑब्जर्वेशन ही डिस्चार्ज टूडे पहले कोमा कनेक्टर से पहले एज ही स्टिल ऑब्जर्वेशन तो हमने पेशेंट को बेटर कर दिया है लेकिन अभी भी उसे ऑब्जर्वेशन चाहिए तो बट से पहले कोमा एज से पहले कोमा तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है कॉमास का इतने सिंपल है कॉमास सो कनेक्टर से पहले लगते हैं कोमास Okay.